आज सुबह दिल्ली एनसीआर के अभिभावकों की सांसें उस वक्त थम गई जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे जहां पर पढ़ने के लिए गए हैं वहां पर इस स्कूलों के अंदर बम रखा हुआ है। आज सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में तमाम स्कूलों में एक मेल आता है और उसमें जिक्र किया गया कि स्कूलों के अंदर बम रखा हुआ है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और हड़कंप जैसी स्थिति तमाम स्कूलों में देखी गई। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें तकरीबन 80 स्कूल ऐसे थे दिल्ली और एनसीआर के मिला के जहाँ पर ये मेल गया। उसके बाद में हालात काफी ज्यादा चिंताजनक बन गए। तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया गया, बच्चों को घरों पर भेजा गया, अभिभावकों को इसकी जानकारी दी गई, वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर एम्बुलेंस से लेकर दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई और तमाम स्कूलों में तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु ना तो पुलिस के हाथ लगी और ना ही जांच एजेंसियों की। और फिर क्या था, जिस ईमेल आईडी से मेल आया था जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो मेल आईडी का जो आईपी एड्रेस था वो रूस का था। अब पुलिस और साथ ही तमाम जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। बाकी अगर बात करें गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया और बताया गया कि जो मेल आया है वो एक तरह से फर्जी किस्म का लग रहा है, तो किसी को भी परेशान होने की या फिर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल जो मेरी मौजूदगी है वो आप देख सकते हैं, एपीजे स्कूल के सामने है और यहाँ पर भी जो स्कूल है वो बंद कर दिया गया है, बच्चों को घरों पर भेज दिया गया है, साथ ही बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। और अब ये माना जा रहा है कि कल से जो स्कूल है वो दोबारा से वैसे ही सुचारू रूप से चलेंगे, लेकिन हाँ जो अभिभावक है उनकी जो चिंता है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए। लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन का भी ये कहना है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही जो भी इसके पीछे दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली नोएडा को दहलाने की साजिश, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से भेजा गया धमकी भरा खत, बारूदी साजिश से एनसीआर में सनसनी। बुधवार की सुबह सुबह आई इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। एक दो नहीं कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, डीपीएस द्वारका, श्री राम वाइल्ड स्कूल द्वारका, सचदेवा ग्लोबल स्कूल द्वारका, जीडी गोइंका सरिता विहार, सेंट थॉमस छावला, डीपीएस वसंत कुंज, डीएवी दक्षिण पश्चिम दिल्ली, डीएवी श्रेष्ठ विहार, डीएवी विकासपुरी, मदन मैरी मयूर विहार फेज 1, एमईटी स्कूल साकेत, एमईटी स्कूल पुष्प विहार, स्प्रिंग डेल्स उषा रोड, डीपीएस नोएडा और डीपीएस ग्रेटर नोएडा जैसे नामचीन स्कूलों को बम से उड़ाने की साजिश के ईमेल ने हर किसी की नींद उड़ा दिया। दिल्ली के कई स्कूलों में आज सुबह सुबह एक ऐसी मेल आई जो धमकी भरी थी, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली के इन स्कूलों में जो बम है वो रखा गया है। जिसके बाद सबसे पहले द्वारका के डीपीएस स्कूल में एक मेल मिली, क्योंकि स्कूल का स्टाफ सुबह सुबह आया था, उसने मेल के जरिए ये जानकारी जब देखी तो उसके बाद उनके होश उड़ गए। इसको हैंडल करते हुए डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड सभी स्कूलों के अंदर गए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी, काफ़ी पैनिक करने वाली थी, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की सुबह सुबह आवाजाही होती है, स्कूल खुले हुए हैं, सुबह सुबह बच्चे स्कूल पहुँचते उसी समय ये इस तरह की जो मेल्स थी वो एक एक करके सभी स्कूलों को मिलने लगी। जानकारी के मुताबिक ये ईमेल दिल्ली इंग्लिश एकेडमी के नाम से भेजा गया है, जिसके बाद एक एक करके सारे स्कूलों को खाली कराया गया। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है, उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएसजेड टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पर हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। सुबह 4:15 बजे के आसपास एक कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है
और ये जो मेल है इस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं। धमकी भरे इस ईमेल के बाद एक तरफ स्कूलों को आनन फानन में खाली कराया गया तो दूसरी तरफ उन बच्चों के परिजनों की फिक्र बढ़ गई जिन्हें सुबह सुबह परिवार वालों ने स्कूल भेजा था। देखिए मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। इस बेहद सनसनीखेज मामले में साइबर सेल अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ईमेल और आईपी एड्रेस के जरिए आरोपियों की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और सुबह जब हड़कंप मचा हुआ था उस वक्त पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से हमने बातचीत करने की कोशिश की और क्या बातचीत में उन्होंने जानकारी दी है वो आपको सुनाते हैं। लाइन पर हमारे साथ लक्ष्मी सिंह जुड़ गई हैं, पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर। आपसे समझना चाहेंगे लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो अभी तक के जो हालात हैं उसके बाद आप पेरेंट्स को या जो लोग परेशान हैं घबराए हुए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे और क्या अभी तक की जांच में कुछ संदिग्ध मिला है आपको? देखिए इसमें हम लोगों के सारे अप्रोप्रिएट मेजर्स इन प्लेस हो गए हैं और काफी गहराई से विस्तृत जांच मौके पर करा ली गई है। किसी भी स्कूल में कोई आपत्तिजनक चीज प्राप्त नहीं हुई है। एक चेन ऑफ स्कूल्स के जनरल ईमेल सर्वर पर एक स्पोक्स या स्पैम मेल लैंड की थी जी। और उसकी साइबर यूनिट से अभी तक जो पता चला है होक्स को हम लोग आगे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। मेरे आपके चैनल के माध्यम से सभी स्कूल के प्रबंधक और सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों से ये अपील है कि कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सभी स्कूल सेफ हैं, सभी बच्चे सेफ हैं और हम लोग इस मामले की तह तक अवश्य पहुंचेंगे जी। क्या दिल्ली पुलिस के साथ भी कुछ कोऑर्डिनेशन आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के भी बहुत से स्कूल हैं और ओवरऑल दिल्ली एनसीआर में तो कहा जा रहा है 100 से ज्यादा स्कूल हैं जहां लगभग एक ही तरह का मेल सबको आया है जी। मुझे लगता है कि किसी school.org या इस तरह के कॉमन डेटा बेस को हैक करके इस तरह के स्पैम स्पूफ मैसेजेस भेजे गए हैं। दिल्ली पुलिस के भी संपर्क में हम लोग हैं और अपने भी मामलों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अभी तक कोई भी आपत्तिजनक चीज पाई नहीं गई है जी। नोएडा के तकरीबन या गौतम बुद्ध नगर के तकरीबन कितने स्कूल होंगे जिन्होंने शिकायत की है कि उनको ये मेल मिला है? अब तक 13 स्कूलों ने शिकायत की है और सभी जगहों पर हम लोगों ने काफी विस्तृत जांचें कर ली, उनके ईमेल और आईडी सर्वर। और ग्राउंड जीरो से मेरे साथ में मेरे कई सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु शुक्ला मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी, गाजियाबाद से अमित राणा और दिल्ली से शंकर आनंद जुड़ गए हैं। साथ ही लखनऊ से नितिका भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। हिमांशु मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है। हिमांशु, ग्राउंड जीरो पर ही आप सुबह से डटे हुए हैं, कई सारे स्कूलों का आपने हाल देखा, क्या उस वक्त आपने पूरा घटनाक्रम देखा? बिल्कुल अमनदीप, देखिए आपको बताएं ये सुबह 8 से 9 के बीच की पूरी घटना है जब सभी स्कूलों में एक साथ हड़कंप मचा था और उसके बाद पुलिस प्रशासन को ये जानकारी दी गई थी। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची क्योंकि बॉम्ब की जानकारी थी, लिहाजा बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा, इसके अलावा एएसएल की टीम पहुंची और तमाम स्निफर डॉग्स पहुंचे। इन तैयारियों के साथ स्कूल में प्रवेश किया गया और सबसे पहले जो इनिशियल काम किया गया कि बच्चों को एक ग्राउंड में इकट्ठा किया गया, जो पेरेंट्स पहुंच रहे थे उनको हैंडओवर किया गया और उसके बाद सर्च अभियान चलाया गया है। इनिशियली आपको बताएं करीब 2 घंटे तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 13 ऐसे स्कूल हैं जिनकी शिकायतें गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को दी गई थी और वहां पे जब शिकायतें दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी किया गया क्योंकि बसों को निकाला गया मौके से क्योंकि सभी लोग सेफ रहे। इनिशियली अब तक गौतम बुद्ध नगर पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया गया कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई संदिग्ध वस्तु अभी तक नहीं मिली है और इसको लेकर जो 2 यहां पर साइबर की टीमें हैं उनको लगा दिया गया है। अब वो
पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, आईपी एड्रेस ट्रेस आउट कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल है, देखिए चुनाव चल रहा है तो जाहिर तौर पे क्या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से किया गया या अफवाह फैलाई थी और लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के उद्देश्य से ये किया गया था? इन तमाम पहलुओं पर अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जांच की जा रही है। जी ठीक है, तो देखिए गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभिभावक चिंता ना करें। अब चलिए ग्राउंड जीरो पर बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास में चलते हैं। शंकर आनंद, सबसे पहले मैं आप ही के पास में आऊंगी। दिल्ली के कई सारे स्कूल थे जहां पर ये मेल गया, अभी तक क्या आंकड़ा निकलकर सामने आया ये भी बताइए, और अभी तक की जांच में क्या कुछ इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आई? क्योंकि मेल अगर पढ़ा जाए तो उसको देखकर लगता है कि किसी इस्लामिक कंट्री की तरफ से ये मेल किया गया है। देखिए, अगर दिल्ली के तमाम स्कूलों और संस्थाओं की अगर बात करें तो अब तक 96 यानी कि 96 ऐसे स्कूल जो हैं जिसके बारे में जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है, और सभी जितने भी मेल जनरेट किए गए हैं सबका जो पैटर्न है वो एक ही पैटर्न में एक ही टैक्स है वो तमाम स्कूलों को भेजा गया है। और इस मामले में हालांकि तफ्तीश का जो जिम्मा है जल्द ही स्पेशल सेल को सौंपा जाएगा और स्पेशल सेल इस मामले की तफ्तीश करेगी, लेकिन जिस तरह से अभी शुरुआती तौर पर इनपुट्स मिले हैं और जिस तरह से उसका आईपी एड्रेस जो है, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये रूस से जनरेट किया गया है, रूस से जनरेट किया गया और उसके बाद फिर अलग अलग लोकेशंस पे उसको बकायदा जिस तरह से क्रिएट किया गया है उसके बाद इन तमाम स्कूल को भेजा गया। हालांकि रूस का जो लोकेशन है वो हो सकता है कि वो भी नकली साबित हो। हालांकि इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और इस मामले में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जिस तरह से बकायदा एक उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने भी एक अपील की है कि तमाम जो लोग हैं वो कोई भी पैनिक क्रिएट ना करें, कोई भी गलत अफवाहों को ना फैलाएं। और जिस तरह से स्कूल के अंदर में तमाम स्कूल प्रशासन ने एक सूझबूझ का परिचय देते हुए जिस तरह से बच्चों को आसानी से स्कूलों से निकाला, उसके बाद जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश की गई, बिल्कुल देखिए गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस के द्वारा आज कहा जा रहा है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऋषभ मणि का रुख कर लेते, लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, जरा बताइए कि सुबह से लखनऊ का क्या हाल है, क्या लखनऊ में भी कुछ स्कूलों में इस तरह का मेल पहुंचा? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ के वृंदावन इलाके में एमिटी इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पर भी इस तरह की होक्स मेल गई थी और अब तो लखनऊ पुलिस की ओर से ऑफिशियल वर्जन भी जारी हो गया। डीसीपी ईस्ट का ये कहना है कि जैसे ही स्कूल प्रशासन की ओर से सूचना दी गई थी तुरंत पुलिस और BDDS जो बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड होता वो मौके पहुंचा था और उनकी जो अपनी SOP होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, एंटी सबोटाज चेक किया जाता है, वो पूरी तरह से वहाँ पर चेक किया गया था। स्कूल में बच्चों के लिए छुट्टी कर दी गई थी और काफ़ी देर की जाँच के बाद भी कुछ भी संदिग्ध या कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। तो लखनऊ पुलिस की जो साइबर सेल है वो जाँच में लगी हुई, इसके साथ साथ ATS और STF को भी इस मामले की जाँच में लगा दिया गया है और जो सोर्सेज हैं वो ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि जो मेल जहाँ से भेजी गई है, जो जनरेट होने का पॉइंट है वो रशिया का है और जो सर्वर है वो चाइना के बताते हैं कुछ हिस्से का भी है जहाँ से ये इस्तेमाल किया गया है। और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पूरी तरह से फर्जी मेल था, पब्लिक ऑर्डर जो लोक व्यवस्था होती है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है और इसलिए खास तौर से देखिए अभी तक जो जांच की गई है उसमें यही निकलकर सामने आया है कि ये फर्जी मेल है। अब चलिए गाजियाबाद चलते हैं जहां से अमित राणा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, आप भी सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या अपडेट है पूरे मामले में आपके पास? देखिए अमनदीप, आपको बताना चाहूंगा कमोवेश यही हालात गाजियाबाद के ही है। आज सुबह से ही जैसे ही दिल्ली NCR सहित अन्य इलाकों में स्कूल के पास एक मेल पहुंचता है, मेल पहुंचने के बाद जहां एक और स्कूल प्रबंधन के अंदर खलबली मच जाती है, वहीं अभिभावक ही सुबह से परेशान थे, अपने अपने बच्चों को लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लग गए क्योंकि स्कूल की तरफ से एहतियात के तौर पर यह कह दिया गया था कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। तो ऐसे में स्कूल के बाहर भी एक लंबी लंबी लाइन लगी थी, हम सुबह से ही दिखा रहे थे। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद के खानपुरा गार्डन का स्कूल है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ इसी तरह का एक मेल आया था। सुबह 6:50 पर वो मेल आया था जिसके बाद से ही स्कूल प्रबंधन ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। मौके पर बम स्क्वाड भी पहुंचा, मौके पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा, पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पहुंचे और वहाँ पूरी छानबीन की गई। काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी लेकिन उसके बाद हमने देखा कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से जो पूरी सावधानी बरती गई थी, तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया गया। एक बार फिर से लखनऊ चलते हैं जहां से नीतिका हमारे साथ में जुड़ी हुई है। नीतिका, आप बताइए,
लखनऊ में किस तरह के हालात सुबह देखे गए, अभी क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुबह न्यूज आई थी कि कई सारे नामी स्कूल्स हैं उनको ये मेल पहुंचा था, वैसे ही लखनऊ के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल पर भी ये मेल पहुंचा था और उसी लैंग्वेज में ये मेल यहां पर पहुंचा था। इसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जो बच्चे थे उनकी छुट्टी करके उनको घर भेजा गया और फिर उसके बाद में जो बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड है वो यहां पर पहुंचा और उसने यहां पूरी जांच करी। स्कूल को वेकेंट करके पूरी जांच की गई है और पाया गया यहां पर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई, जिसके बाद में पुलिस की ओर से ये क्लियर भी किया गया, ये सिर्फ डर फैलाने का एक मीडियम था। इसके बाद में हमने स्कूल प्रशासन से भी बात करने का प्रयास किया, हालांकि स्कूल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि कल से जो स्कूल है वो नॉर्मली रन करने वाला है। बाकी के स्कूलों में भी क्योंकि डर का माहौल था, जो पेरेंट्स थे जिनके बच्चे स्कूल पहुंचे हुए थे, बिल्कुल देखिए कल से जो स्कूल है वो वैसे ही चलेंगे, कल से स्कूल भी खुलेंगे और साथ ही बच्चों की जो पढ़ाई है वो पहले की तरह ही कंटिन्यू होगी। आपको भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हालात काफी ज्यादा कंट्रोल में है। अभी तक जो जांच की गई है उसमें फर्जी मेल की है, मेल का ही जिक्र यहां पर किया जा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए थे जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी